हेलो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इज बेस्ड ऑन साउंड्स। हमारा अगला प्रकार आवाज या ध्वनि पर आधारित है, जिसमें एलिट्रेशन यानी अनुप्रास, पन यानी श्लेष और ऑनोमैटोपीय यानी कि ध्वनि परावर्तन अलंकार शामिल है। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज अ पोएटिक डिवाइस दैट रिफ्लेक्ट्स रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्स्टेंट साउंड्स इन टू और मोर नियर बाय वर्ड्स। एलिट्रेशन डज नॉट रिफर टू द रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्स्टेंट लेटर्स बट द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। इसमें दो से अधिक लगातार आने वाले या पास पास आने वाले शब्दों में प्रथम अक्षर व्यंजन ध्वनि होते हैं और एक ही तरह के व्यंजन होते हैं। एक ही अक्षर नहीं बल्कि व्यंजन अक्षर का ध्वनि उसकी पुनरावृत्ति होती है। उदाहरण देखेंगे तो और स्पष्ट होगा। व्यंजन ध्वनि का मतलब होता है ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़कर बाकी के जो 26 में से बचे हुए अक्षर हैं, उन या फिर उनके ध्वनि से शुरू होने वाले जो शब्द है, ऐसे शब्द अगर एक वाक्य में एक पंक्ति में लगातार आते हैं तो हम उस पंक्ति को एलिट्रेशन की पंक्ति या फिर अनुप्रास अलंकार की पंक्ति कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, सूजी सूजी वर्किंग इन अ शू शाइन शॉप, ऑल डे लॉन्ग शी सिट्स एंड शाइन्स। इन द लाइन अबव साउंड्स ऑफ स इज रिपीटेड, साउंड ऑफ स इज रिपीटेड प्लीजेंटली एडिंग म्यूजिकलिटी एंड रिदम। में दो से अधिक लगातार आने वाले स या श व्यंजन ध्वनि का परावर्तन हुआ है। अगर आप अच्छी तरह से देखें तो सूजी सूजी शाइन शॉप, इसमें स और श का परावर्तन हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है। अगला उदाहरण है फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज, इसमें फ इस व्यंजन ध्वनि की पुनरावृत्ति हमें दिखाई देती है। तीसरा उदाहरण है ही आंसर्ड सम क्विक क्वेश्चंस, इसमें हमें क्व इस व्यंजन की पुनरावृत्ति नजर आती है। चौथा उदाहरण है फॉर मेनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड, इसमें भी फ व्यंजन ध्वनि की पुनरावृत्ति हमें नजर आती है। और अंतिम उदाहरण है माय फादर ट्रैवल्स द लेट इवनिंग ट्रेन, ट्रैवल्स ट्रेन, इसमें ट्र इस व्यंजन ध्वनि की पुनरावृत्ति हमें नजर आती है। तो इस प्रकार होता है एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार, जिसमें व्यंजन ध्वनि शब्दों के शुरुआत में आते हैं, ऐसे शब्द एक ही पंक्ति में लगातार या फिर पास पास आते हैं तो उसे हम अनुप्रास यानी एलिट्रेशन अलंकार कहते हैं। इसमें अगला उदाहरण है पन अलंकार का। पन, अ पन इज अ पोएटिक डिवाइस दैट इज ऑल्सो नोन एज अ वर्ड प्ले। It involves words with similar or identical sounds but with difference of meanings. Puns are generally intended to be humorous. इसमें शब्दों का खेल होता है, एक ही उच्चारण वाले शब्द होते हैं परंतु अर्थ अलग होते हैं। यह हास्य विनोद के लिए अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण देखेंगे, सबसे पहला उदाहरण है सेंटा क्लॉज हेल्पर्स आर नोन एज सबॉर्डिनेट क्लॉजेस। अब इसमें क्लॉज इस शब्द पर आपको श्लेष किया हुआ नजर आएगा, पन का मतलब होता है श्लेष। सेंटा क्लॉज ये नाम तो हम जानते हैं और व्याकरण में क्लॉजेस ये भी संज्ञा हम जानते हैं। तो इन द सेंटेंस अबो द वर्ड क्लॉज इज यूज्ड विथ डबल मीनिंग,
clause as a part of Santa's name and as a grammatical concept clause. लेकिन अब subordinate clause, Santa Claus के helpers को subordinate clause कहा गया है यहाँ पर. Subordinate का मतलब भी हमें पता है, subordinate मतलब अपने हाथ के नीचे काम करने वाले या फिर हमारे मददगार जो सहकारी होते हैं उनको subordinate कहते हैं. और subordinate clause एक व्याकरण की संकल्पना है जिसे उपवाक्य कहते हैं. तो इस तरह से यहाँ पर शब्दों के दोहरे अर्थ और उससे दोहरे अर्थ से होने वाला विनोद हमें यहाँ पे समझ में आता है. दूसरा है हाउ डू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पार्टी. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पार्टी कैसे मनाते हैं? दे रेज द रूफ. अब यहाँ पर छप्पर फाड़ के पार्टी करते हैं, रेज द रूफ. और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है वो रूफ्स, कॉलम्स, बीम्स ये सब बनाते रहते हैं कंस्ट्रक्शन के काम में. और उनके पार्टी करने के तरीके को एक मुहावरे से बोला गया है, रेजिंग द रूफ. दे रेज द रूफ. यहाँ पर भी श्लेष अलंकार हमें समझ में आता है कि रेजिंग द रूफ के कैसे दो मतलब हम निकाल सकते हैं, कि वो छप्पर को या फिर छप्पर फाड़ के पार्टी करते हैं, और रेजिंग द रूफ का जो शब्दशः मतलब है वो थोड़ा सा उल्टा होता है, कि छप्पर को खोल देना या फिर छप्पर को ऊंचा करना वगैरह ऐसे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए वो शब्द है इसलिए उसका ये दोहरा मतलब हमें समझ में आएगा. एवरी कैलेंडर्स डेज आर नंबर्ड. अब इस उदाहरण में हर कैलेंडर के दिन अंकित होते हैं, यह मतलब देना है, मतलब हर एक दिन को एक अंक दिया गया है और उसकी उसे हम तारीख कहते हैं या फिर दिनांक कहते हैं. लेकिन यहाँ पर दो तरीके के मतलब कौन से है, डेज आर नंबर्ड यानी कि हर कैलेंडर कभी न कभी खत्म होगा, ऐसे भी इसका मतलब होता है. डेज आर नंबर्ड यानी दिन खत्म होना, दिन भरना. और डेज आर नंबर्ड का मतलब ये भी होता है कि हर एक दिन को एक दिनांक दिया गया है. तो ऐसे दोहरे मतलब हमें यहाँ पर नजर आते हैं. चौथा उदाहरण है, व्हाई आर टेडी बेयर्स नेवर हंग्री. उसका मजाकिया जवाब है, दे आर ऑलवेज स्टफ्ड. स्टफ्ड के दो मतलब है, एक तो भरा हुआ होना, एक पेट भरा हुआ होना, और दूसरा किसी चीज से भरा हुआ होना. जैसे कि टेडी बेयर हम जानते हैं मुलायम चीजों से या फिर कोई चिंदियों या फिर कुछ जो कपड़े फटे पुराने या फिर रुई से भरे हुए होते हैं, मुलायम चीजों से भरे हुए होते हैं, तो उसे भी स्टफ कहा जाता है. और पेट भरा हुआ होना उसे भी स्टफ्ड कहते हैं. तो इस तरीके से उनको भूख क्यों नहीं लगती, ऐसा मजाकिया जवाब मिलता है हमें, दे आर ऑलवेज स्टफ्ड. तो यहाँ पर भी श्लेष बनता हुआ पन नजर आता है. और अंतिम उदाहरण है, द टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना. इसमें फ्लाइज इस शब्द के दो मतलब हमें दिखाई देते हैं, एक तो समय कैसे तेजी से बीतता है जैसे कि कोई बाण किसी तेजी से जाता है वैसे, और दूसरा फ्लाइज जो शब्द इस्तेमाल किया है वो मक्खी के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसका दूसरा मतलब है मक्खी. फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना, केला फ्रूट फ्लाइज मतलब फलों पर बैठने वाली मक्खियों को केला सबसे ज्यादा पसंद है, ये कहने के लिए फ्लाइज शब्द का उपयोग किया गया है. तो उसी तरीके से वहां पर भी पन यानी कि श्लेष बनता हुआ हमें नजर आता है. इस प्रकार के उदाहरण में अंतिम अलंकार है ऑनोमैटोपिया. इसका उच्चारण थोड़ा सा और अच्छी तरह से हमें करना होगा. ऑनोमैटोपिया बहुत सारे लोग इसे उनके हिसाब से बोलते हुए मैं बोलूंगा नहीं अभी, क्योंकि गलत बोलने से अच्छा बोलना सही होगा. ऑनोमैटोपिया. ऑनोमैटोपिया इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड. और ऑनोमैटोपिया इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड और इको द सेंस. इट क्रिएट्स अ साउंड इफेक्ट दैट
mimics the thing described, making the description more expressive and interesting. ऑनोमेटोपिया यानी कि ध्वनि परावर्तन अलंकार, इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो आवाजें या ध्वनि की नकल करते हैं। जिन चीजों का वर्णन किया जाता है उनकी आवाजों की नकल इसमें होती है, जिससे वर्णन अधिक स्पष्ट और दिलचस्प हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, द रसलिंग लीव्स केप्ट मी अवेक, इसमें पत्तों की सरसराहट ने मुझे जगाए रखा। ऐसा कहने के लिए पत्तों की सरसराहट को रसलिंग कहा गया है, या फिर पत्तों की जो आवाज है उनके हलचल की, उसे रसलिंग ये शब्द दिया गया है। इसमें रसलिंग ये शब्द ऑनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। द मोन ऑफ डव्स इन इमेमोरियल एल्म्स एंड मर्मरिंग ऑफ द इन्यूमरेबल बीज, इस उदाहरण में हमें डव्स यानी कबूतर, उनका जो चहकना है या फिर उनका जो बोलना है उसे मोन कहा गया है। साउंड मेड बाय डव्स इज कॉल्ड हियर एज मोनिंग, और बीज जो मधुमक्खियां है उनकी आवाज को यहाँ पर मर्मरिंग कहा गया है। तीसरा उदाहरण हम देखेंगे, बूमिंग एंड बैंगिंग थंडर इन द एयर, क्रैशिंग एंड रंबलिंग वेव्स अगेंस्ट वेट रॉक, यहाँ पर बूमिंग, बैंगिंग, क्रैशिंग, रंबलिंग, इन सब आवाजों का जिक्र किया गया है। आवाजें यहाँ पर शब्दांकित की गई है, इसे हम ऑनोमेटोपिया का एग्जाम्पल कहेंगे। नाउ एंड अगेन केम द टंग टोंगटिंग टोंग ऑफ अ शिप बेल, यहाँ पर भेड़ के गले में जो घंटी बंधी है उस घंटी के बारे में कहते वक्त टिंग टोंग बेल, फिर टोंग टिंग टोंग, इस आवाज की नकल की गई है, उसे शब्दों में अंकित किया गया है, इसलिए टोंग टिंग टोंग ये जो शब्द है इन्हें ऑनोमेटोपिया का उदाहरण हम कहेंगे। अंतिम उदाहरण है, द थंडर रोर्ड एंड द लाइटनिंग क्रैश्ड, यहाँ पर रोर्ड और क्रैश्ड ये शब्द थंडर और लाइटनिंग के लिए उपयोग में लाए गए हैं। बिजली के लिए रोर्ड, थंडर बिजली की कड़कड़ाहट को रोर्ड कहा गया है, यहाँ पर थंडर रोर्ड, इस तरह से रोर्ड ये ऑनोमेटोपिया का उदाहरण है। इस तरह से दोस्तों अगर हम देखें तो आवाज पर या फिर ध्वनि पर आधारित तीन जो अलंकार है अंग्रेजी के, एक तो हमने देखा अलिटरेशन, दूसरा देखा पन, और तीसरा देखा ऑनोमेटोपिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे, और बाकी के जो बचे हुए अलंकार है वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।